लिबरलाइजेशन मतलब उदारवाद कहते हैं। उदारवाद बोले तो नीतियों को ज्यादा कठोर नहीं बनाना, उदार बनाना है। अत्यधिक बढ़ावा देना है प्राइवेट सेक्टर को और वैश्विक स्तर पर देंगे। ग्लोबलाइजेशन मतलब यहाँ पर सभी देश आकर के क्या करेंगे, निवेश करेंगे और सभी देशों को हम लोग क्या करेंगे, वेलकम करेंगे, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छे ढंग से चल सके। LPG ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक्सटर्नल इमरजेंसी या फिर कहें तो एक तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा 1961 में की गई थी, इंडो चाइना वॉर के समय, फिर भारत पाकिस्तान के समय, और एक बार मैडम गांधी ने लगाया था। ठीक है, हाँ जी, तुम भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इन विच पार्ट देयर इज प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज? आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे आप ही से पूछा है जी। हाँ, तबियत, अरे तो बताने में कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, वैसे इशारा करके बता दो ऐसे। नहीं पता है। हाँ, ऐसे भी इशारा कर सकते हो, नहीं पता है। किस भाग में है? भाग 4A में, ठीक है ना। किसने अनुशंसा की थी मौलिक कर्तव्य की? किसने रिकमेंडेशन दी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उसके पीछे का मैंने आपको बताया था, 75-77 तक मैडम गांधी ने क्या किया था, इमरजेंसी घोषणा कर दी थी और विपक्ष को कहां डाल दिया था, जेल में, है ना। किस संवैधानिक संशोधन से? 44वें संवैधानिक, 1978, 42वां था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्लियर है? किस राष्ट्र से लेकर के आए? अमेरिका से लाए थे। वेरी गुड, तबीयत खराब है इसलिए आप भूल गए। तो गलत पता है आपको, उसको सही कर लीजिएगा। हाँ, नहीं नहीं, रशिया से लाए थे जी, ठीक है ना, रूस के, USSR। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। हाँ, शक्ति गलत जगह हो गई। अच्छा, DPSP कहाँ से लेकर के आए? आयरलैंड के संविधान से। और DPSP के किस आर्टिकल के अंदर पंचायतों की बात की गई है? 40 के अंदर। और पंचायत किस प्रिंसिपल पर आधारित है? हाँ, सही बोला, किसने बोला? हाँ, गांधीयन प्रिंसिपल पर, ठीक है। अरे पंचायत, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखने की, ठीक है। पंचायत भारतीय संविधान के आर्टिकल 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 संबंधित है किससे? पंचायत से। क्लियर है? और आर्टिकल 40 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एट रेगुलर इंटरवल, समझ रहे हो, ग्राम पंचायतों का गठन नियमित अंतराल पर करना है, गांधी जी कहते थे। अच्छा, गांधी ने कहा था कि अगर आपको, देखिए दो चीजें होती है, एक होता है गवर्नमेंट, ठीक है, और एक होता है गवर्नेंस। क्लियर है? सरकार एक, और उसमें भी अगर कहें हम लोग तो कहते हैं एक होता है शासन और एक होता है सुशासन। सुशासन बोले तो गवर्नेंस, शासन मतलब एक रूलिंग क्लास है और एक रूरल क्लास है, किसी भी तरीके से शासन कर रहे हैं। और सुशासन का मतलब है कि मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस किसके मध्य, बिटवीन द रूलर क्लास एंड द रूलिंग क्लास, ताकि उनकी बात आप तक और आपकी बात उन तक पहुंच सके, ठीक। राम राज्य, ठीक है, राम राज्य अलग बात है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। सुशासन का मतलब आप सिंपल, अच्छा, अरे ठीक है, वो राम राज्य की बात है, कोई बात नहीं, आपको लाना है आप लाए। देखिए, सुशासन का मतलब सिंपल इतना है कि रूलर क्लास और रूलिंग क्लास के मध्य क्या होना चाहिए, कम से कम दूरी होनी चाहिए, ताकि
बातों का आदान प्रदान अच्छे ढंग से हो सके, उनकी बात आप तक आ सके और आपकी बात उन तक जा सके। और ये इसको एक तरीके से कहें तो इसको तूल दिया किसने? गांधी जी ने। और गांधी जी कहते थे अगर आपको शासन का अच्छा रूप स्थापित करना है तो सत्ता का क्या करो, विकेंद्रीकरण कर दो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर कर दो। क्लियर है? और जब सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दोगे तो शासन का एक अच्छा रूप स्थापित किया जा सकता है।
नहीं रहता है नहीं। तो बलवंत राय मेहता कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड, लिखिएगा, पहले से चल रहे दो कार्यक्रम, पहले से चल रहे दो कार्यक्रमों की विफलता की जांच करने हेतु, टू एग्जामिन द फेलियर ऑफ अर्लियर ऑफ टू इट्स प्रोग्राम, चल रहे कार्यक्रमों की विफलता की जांच हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, क्लियर है? कब किया गया था? वर्ष 1957 में, क्लियर है? अच्छा, इसने क्या दी? रिकमेंडेशन। और इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? स्टेबलाइज्ड 3 tier ऑफ पंचायत, पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली, स्टेबलाइज 3 tier ऑफ पंचायत, पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा की गई, त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा की गई, पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा, लिखिए एस्टेब्लिश 3 tier ऑफ पंचायत, उनकी दूसरी क्लास है इसलिए चले गए, लिखिए दोस्त, आप उत्तर ध्यान ना दीजिए, आप लिखिए, ठीक है? और तीन स्तर कौन से थे? पहला लिखिएगा विलेज लेवल, जिसको कहा गया ग्राम पंचायत। अगला लिखिएगा ब्लॉक लेवल, जिसको कहा गया पंचायत समिति। पहुंचा दीजिएगा जरा, जिसको कहा गया पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा को मान करके पहली बार राजस्थान के नागौर जिले के अंदर क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा को मानकर राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। हाँ, लिखिएगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी,
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमिटी द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमिटी द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान नागौर किसमें हाँ नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अब देखिए राजस्थान में लागू कर दी गई, राजस्थान के नागौर जिले में, लेकिन क्या हुआ वहां पर भी ये फेल हो गई। वहां पर फेल होने के बाद वर्ष 1964 में एक और कमेटी का गठन किया गया, लिखिएगा 1964 सादिक अली कमेटी, 1964 सादिक अली कमेटी, 1964 सादिक अली कमेटी। और किस लिए गठित की गई? टू चेक फेलियर ऑफ पंचायती राज इन राजस्थान, टू चेक फेलियर ऑफ पंचायती राज इन राजस्थान। ठीक है, टू चेक फेलियर ऑफ पंचायती राज इन राजस्थान। अगली समिति गठित की गई वर्ष 1977 में, 1977 के अंदर, जिसका नाम था, अच्छा हिंदी में नहीं लिखा है ना, आपने लिख लीजिए पहले, सादिक अली कमेटी लिख लिया, ठीक। अगला लिखिएगा 1977 अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। और अशोक मेहता समिति ने क्या कहा? अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि त्रिस्तरीय नहीं, आप द्विस्तरीय पंचायत लिखिएगा, टू टीयर ऑफ पंचायत, पंचायत की दो स्तरीय प्रणाली। एक बनाई गई जिला परिषद और दूसरी बनाई गई मंडल परिषद, मंडल पंचायत एक जिला परिषद या जिला पंचायत जो भी है, जिला परिषद, दूसरा लिखिएगा मंडल पंचायत। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये ग्रुप ऑफ विलेज। ठीक है, इससे ही पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुई क्योंकि सरकार में फेरबदल हो रहा था, अनुशंसा मानी नहीं गई। उसके बाद एक अगली कमेटी गठित हुई, नाम पड़ा जीवीके राव कमेटी। जीवीके राव कमेटी ने क्या कहा कि आप क्या करिए, पंचायत की द्विस्तरीय त्रिस्तरीय व्यवस्था को छोड़िए, पंचायत का प्रशासनिकीकरण कर दीजिए, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, समझ रहे? मतलब एक तरीके से फॉर्म निकलेंगे, क्वालिफाई करना है और पंचायत में आप जाकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पंचायत।
बार बार ऑफ हो जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का एकमात्र तरीका इसका संवैधानिकीकरण है, इसका संवैधानिकीकरण है। क्लियर है? इसका संवैधानिकीकरण है। और नरसिम्हा राव की सरकार में क्या करा, इसका संवैधानिक उपबंध दे दिया गया। क्लियर है? अच्छा एक मिनट देखिएगा, जरा सामने सामने देखिएगा। सबसे पहले पंचायत की बात किसने की थी? गांधी जी ने। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया था कि पंचायतों का गठन करना है नियमित अंतराल पर। ठीक है, देश आजाद हुआ, संविधान को अडॉप्ट करा, अडॉप्ट करने के बाद संविधान के अनुसार शासन करेंगे, उसके बाद विकास करने के लिए दो कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है, CDP और NES, वर्ष 1952 और 1953 में। दोनों प्रोग्राम क्या हो गए? फेल हो गए। दोनों प्रोग्राम जो फेल हो गए थे उनकी जांच करनी थी, और उनकी जांच करने के लिए वर्ष 1957 में एक समिति का गठन किया गया टू एग्जामिन द फेलियर ऑफ अर्लियर स्विस प्रोग्राम। समझ रहे हो? अपने पूर्व में चल रहे दो प्रोग्रामों या कार्यक्रमों की विफलता हेतु बलवंत, उसकी जांच करने हेतु बलवंत राय मेहता कमेटी की, कमेटी का गठन किया गया, और बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कर दिया गया। बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि ठीक है फेल हो गए, लागू करने का एकमात्र तरीका है कि आप पंचायती राज व्यवस्था लागू करें, और पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू करें, मतलब तीन स्तर पर क्या होगी, पंचायती राज व्यवस्था होगी। क्लियर है? ठीक। अगला कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, वो भी अच्छा उसकी अनुशंसा को मानकर, उनकी अनुशंसा को मानकर, बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा को मान करके पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। पंचायती राज व्यवस्था को अडॉप्ट करने के बाद वर्ष 1964 में अगली कमेटी गठित की गई, और अगली कमेटी गठित करने के लिए कमेटी का नाम पड़ा सादिक अली कमेटी। क्लियर है? सादिक अली कमेटी। और सादिक अली कमेटी ने क्या कहा, क्या कहा? हाँ, दोनों का क्या करा, इसका जांच करी कि भाई क्यों फेल हो गया, उसकी अनुशंसा को नहीं माना गया। फिर 1970 में दूसरी कमेटी गठित की गई, अशोक मेहता। अच्छा आपके एग्जाम में देखिए ज्यादा नहीं पूछता, सिर्फ यही पूछता है कि कमेटी कब गठित हुई, और बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था के कौन से स्तरीय प्रणाली को अनुशंसा की। क्लियर है? तो एक ने त्री स्तरीय और एक ने द्विस्तरीय, मोस्टली यही पूछता है, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी। क्लियर है? और 1977 में अशोक मेहता कमेटी दोबारा गठित की गई। अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि आप पंचायती राज व्यवस्था क्या करें, आप पंचायती राज व्यवस्था क्या करें, द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाएं, टू टियर सिस्टम। क्लियर? और द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाने के लिए उसने बताया एक जिला परिषद बना दो, एक मंडल परिषद बना दो। क्लियर है? उसके बाद अगली कमेटी जिसने अनुशंसा की कि पंचायत का क्या कर देना है हमें, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ठीक है, प्रशासनिकीकरण कर देना है, जीवीके राव। फिर नेक्स्ट आती है 1986 लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा कि एकमात्र तरीका है इसको लागू करने का, किसको, पंचायती राज व्यवस्था को, कि इसको संवैधानिक उपबंध दे दो, इसका इसको क्या कर दो, संवैधानिक उपबंध दे दो, इसका प्रावधान कहां कर दो, संविधान के अंदर कर दो। और इन्हीं की अनुशंसा पर दो संशोधन किए गए, 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन। क्लियर है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके माध्यम से हमने क्या करा, भारतीय संविधान के अंदर भाग 9 जोड़ दिया गया, ठीक है, 9 का ए 73वें के अनुसार, और दूसरा जोड़ दिया गया 9 का बी। बताया था आपको, याद करिए पार्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया था, याद है, निकल गया दिमाग से, पार्ट फर्स्ट बताया था, याद है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट टू सिटीजनशिप का प्रावधान, पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट का, पार्ट फोर DPSP का, ठीक है, फोर का ए क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटी, फिफ्थ यूनियन की बात करता है, सिक्स्थ स्टेट की बात करता है, सेवन्थ को समाप्त कर दिया गया, एट था यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, और 9 का ए क्या था, पंचायत, और 9 का बी बंद किया गया क्या, नगर पालिका। 9 पंचायत, 9 का ए क्या आपका नगर पालिका, और 9 का बी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति का उपबंध किया गया। क्लियर है?
इसी के माध्यम से कर दिया गया था। तो अगला लिख लीजिएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संवैधानिक संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें एक दो पॉइंट लिख लीजिएगा, इसमें एक दो पॉइंट लिख लीजिएगा क्या क्या उपबंध किया गया था। द एक्ट एडेड अ न्यू पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस द एक्ट हैड एडेड अ न्यू पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ दिया गया, इसके माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ दिया गया, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, द एक्ट एडेड शेड्यूल 11, द एक्ट एडेड शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से अनुसूची 11 का प्रावधान या अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ दिया गया, से अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ दिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा जरा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73वां संवैधानिक संशोधन, जरा लिखिएगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम, असम, मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम। लिखिएगा 73वां संवैधानिक संशोधन, 73वां संवैधानिक संशोधन असम, मेघालय, नागालैंड, असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के, असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। अगला लिखिएगा, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और उसमें लिखिएगा म्युनिसिपैलिटी, प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका का प्रावधान किया गया। दिस एक्ट had added a new part 9A, this act had added a new part 9A to the constitution of India,
इसके माध्यम से भाग 9A संविधान में जोड़ा गया, भाग 9A संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, शेड्यूल 12 एडिट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनुसूची 12 को संविधान में जोड़ा गया। दोनों क्लियर है? लिखिएगा जरा, फ्रेश टॉपिक डाल लीजिए। हाँ हाँ, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का वित्त आयोग। आर्टिकल लिखिएगा पहले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 324, आर्टिकल composition, आर्टिकल के नीचे लिख लीजिएगा composition, composition। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में लिखिएगा, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कॉमा सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर कॉमा सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर आर प्रेसिडेंट में फिक्स जितने राष्ट्रपति द्वारा तय कर दिए जाए। क्लियर है? हिंदी में हाँ लिखिएगा, एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कॉमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त और अन्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, और अन्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। क्लियर है? निर्धारित। फाइनेंस कमीशन में लिखिएगा, वन चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर, एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य। सैलरी लिख लीजिएगा अगला, कंपोजिशन के नीचे। तबीयत ठीक नहीं है आपकी आज, है ना? कोई नहीं, आज रेस्ट कर लेते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। लिखिएगा सैलरी, लिख लीजिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, अब फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया
राज्य में अलग अलग। टर्म लिखिएगा, 6 ईयर और 5 ईयर, 6 वर्ष और 5 वर्ष, 6 वर्ष और 5 वर्ष। अगला लिखिएगा अपॉइंटेड बाय, टर्म क्या लिखिएगा, अपॉइंटेड बाय टर्म अवधि और एक का 5 वर्ष, ठीक है ना। अगला लिखिएगा अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, दोनों अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन चल रहा है ना, ठीक है, इसकी अवधि 2020 से लेकर के 2026 तक है और इसकी अध्यक्षता एनके सिंह द्वारा निभाई जा रही है। इकोनॉमिक्स वाले सर आपको बता देंगे, वैसे क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अगली आइटम डाल देना, फ्रेश टॉपिक फ्रेश पेज, शेड्यूल। ठीक है, लिखिएगा संविधान, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा शेड्यूल में, संविधान के शेड्यूल अनुसूची है। लिखिएगा एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के निर्माण के समय, एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 8 शेड्यूल, संविधान के निर्माण के समय 8 अनुसूचियां थी। देयर वर 8 शेड्यूल, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अच्छा हिंदी में लिख लिया, संविधान के निर्माण समय कितनी अनुसूचियां थी, 8, और वर्तमान में कितनी है, 12, एट प्रेजेंट देयर आर 12 शेड्यूल, वर्तमान में 12 अनुसूचियां, वर्तमान में 12 अनुसूचियां, लिख लिया, ठीक। लिखिएगा पहले, लिखिएगा इट हैज द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द स्टेट, इट हैज द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द स्टेट, राज्य और उसके क्षेत्रों का, राज्य और उसके क्षेत्रों का नाम। अगला लिखिएगा, सेकंड लिखिएगा, सैलरीज, प्रोविजन ऑफ सैलरी, प्रोविजन ऑफ सैलरी बोलता हूं, प्रोविजन ऑफ सैलरी। ओथ, शपथ, चौथा लिखिएगा, फोर्थ लिखिएगा, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ स्टेट इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ स्टेट इन राज्यसभा।
प्रावधान। अगला लिखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अगला लिखिएगा सिक्स्थ असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम मिजोरम इन क्षेत्र में ट्राइबल एरिया की बात की गई यहां पे। सेवंथ लिखिएगा असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, लिखिएगा जरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, मतलब आप इतना भी याद रखेंगे ना। देखिए ठीक है, प्रशासन की बात की गई है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की, प्रशासन की बात की गई है। नेक्स्ट लिखिएगा सेवंथ कंटेन द मैटर इन स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट एंड कंक्रुएंट लिस्ट, राज्य सूची कंटेन द मैटर इन स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट एंड कंक्रुएंट लिस्ट, राज्य सूची केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषय। एट्थ लिखिएगा सूची के विषय, एट्थ लिखिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा। अगला लिखिएगा नाइन्थ जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, अवॉल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। टेंथ लिखिएगा एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम, होता क्या था दल बदल अधिनियम के प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भी सदस्य अपना दल परिवर्तन करके दूसरे दल में जाता है तो उसका क्या हो जाएगा सदस्यता समाप्त कर दी। ठीक है, दल बदल अधिनियम। इलेवंथ लिखिएगा पंचायत और ट्वेल्थ लिखिएगा नगर पालिका, इलेवंथ पंचायत ट्वेल्थ लिखिएगा नगर पालिका। ठीक, पंचायत एंड नगर पालिका ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें क्या है। ठीक है, ये आपकी पॉलिटी यहाँ पे समाप्त हो गई है। ठीक है, कुछ बच्चे नए बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जिनकी स्टार्ट करवाए थे, ठीक है थोड़ा ध्यान रहेगा आप, अच्छा उठ के नहीं, हाँ यहाँ पे आपका ऊपर है। ठीक है, क्लास खत्म नहीं हुई है। देखिए एक मिनट, संविधान और संविधान की जो बात की जाती है, ठीक है आप मुझे ये बताइए पहले संविधान होता क्या है। कानून होता है, हाँ, और हाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता है,
कह रहे हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है संविधान, है ना, उलटवासी बताइए। फंडामेंटल राइट संविधान होता है, संविधान के अंदर एक मिनट एक एक करके पता करने दो ना। हाँ, हम कहाँ पे कौन कौन से अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं उसको संविधान कहते हैं। क्या होता है दोस्त, क्या नाम है आपका? विनय। हाँ बताइए, शांत हो जाइए, खुश बताइए। एक 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 मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाइए ना, तबीयत खराब है, रुकिए आराम से। बताइए जितेंद्र। हाँ हाँ, आप ही से पूछेंगे, बताइए। जो हमें, कैसी बातें कर रहे हैं, शांत हो जाइए ना, एक मिनट सुनने दीजिए। जो हमें मानवता के अधिकार प्राप्त करवाता है। हाँ अब बताओ, ये नहीं कह रहा था मैं, क्या कह रहा हूँ ये बताओ आप, उनका बता दो। हाँ अच्छा, अच्छा ये कौन कह रहा था, ये कह रहे थे या आप कह रहे थे? ये संविधान क्या होता है मैम? कुछ नहीं होता है संविधान, ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं है। कुछ तो होता होगा, कुछ होता है संविधान? पुस्तक होती है। अब हो गया, आपका टर्न हो गया, सुन लेने दीजिए ना बच्चों को थोड़ा सा। बताओ दीदी, आप ही से पूछ रहे हैं? अरे आपसे पूछ रहे हैं मैम। हाँ बताओ क्या होता है संविधान? जैसे इसके मैं समझ नहीं पा रहा, सांकेतिक भाषा में थोड़ा सा हाथ तंग है, होते ना एक संकेत वाली भाषा होती है, संकेत की भाषा से बाहर निकल कर क्या 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 होता है संविधान, इसके आगे बताओ। संविधान लागू किया जाता है, लेकिन संविधान होता क्या है? अच्छा ये सिर्फ इसलिए पूछ लेता हूँ क्लास में, ताकि देखिए जीएस पढ़ने से क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। कहीं भी बैठ करके अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जीएस का प्रयोग होता है, और बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि बोलने का तरीका थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे डेवलप करते रहना चाहिए। पता चला पढ़ने की हैबिट तो है, पढ़ता बहुत सारा है लेकिन उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। हाँ बताओ, जैसे संविधान लागू होता है, लेकिन क्वेश्चन ये संविधान क्या होता है संविधान? संविधान के द्वारा गिरफ्तार करवाए, उसको उसको हाँ बोलो क्या कह रहे हो आप, बताओ मैम। हाँ आप, प्रावधान है जिसमें हमारे कानून लिख दिए, आपके या हम सबके? सबके कानून लिख दिए, क्या होता है बताओ? कुछ तो बताओ सर, क्या होता है? अरे बस रुक जाओ, गूगल रुक जाओ, समझ रहे, ठीक है पता चल जाता है। हाँ बताओ, किसी भी देश को रन करने के लिए वही बुक में लिखे और उसी को संविधान कहते हैं, ठीक है ना। देखो कोई बात नहीं, और कोई बताओ, जोर से बोलो, जोर से। संविधान में लिखित दस्तावेज जिसमें किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए 304वां संशोधन होते हैं। एक 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 मिनट एक मिनट एक मिनट मैम एक मिनट समय पर उसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं। हाँ परिभाषा ही तो पूछ रहे हैं कि क्या होता है ये, अब कोई पूछेगा क्या होता है तो वही तो परिभाषित करके बताओगे। वो कह रहे हैं 395वां अनुच्छेद है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि होता क्या है। हाँ मतलब आप सब लोग सही हैं, एक मिनट, हाँ आपकी बात सही है, आपके विचारों का सम्मान किया जा रहा है, ठीक है आपकी बात सही है। देखिए संविधान होता क्या है, संविधान एक दस्तावेज है, ठीक है ना, ठीक है, जो हमें क्या करता है, अपने अधिकारों को जानने में मदद करता है
और सार की साथ के साथ सरकार की सीमाओं को पहचानने में मदद करता है। क्लियर है? ठीक है, अब आपके पास अधिकार है, लेकिन आप अब आपका अधिकार है राइट टू मूवमेंट का, समझ रहे हो? नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो इसलिए आप ऐसा बोले तो सही हो। शांत रहो। संविधान, संविधान क्या है? एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें मदद करता है, और मदद किस लिए कर रहा है? अपने अधिकारों को जानने के लिए, और साथ ही साथ सरकार की सीमाओं को पहचानने में। ठीक है, सरकार मतलब लॉ बना करके, मतलब एक तरीके से अराजकता का स्वरूप धारण ना कर ले, इसलिए संविधान का प्रावधान किया गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक, संविधान क्या है? आप बोल सकते हैं कि ऐसा दस्तावेज, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ ड्राफ्ट विच हेल्प अस टू नो द लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज राइट ऑफ ओन सेल्फ। मतलब ऐसा दस्तावेज है जो स्वयं के अधिकारों को और सरकार की सीमाओं को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें देखा जाता है, पहली बार संविधान बनाने की बात जो कही थी वो किसने कही थी? M.N. रॉय ने कही थी, है ना? M.N. रॉय ने कही थी वर्ष 1934 में, 1934 के अंदर। और 1934 के अंदर जब संविधान बनाने की बात कही थी, ये बात कहाँ कह रहे थे? ब्रिटेन की संसद में, कि हमें चाहिए संविधान। और संविधान ऐसा आपको सुन लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि लिखा हुआ है किताबों में, एक मिनट सुन लीजिए। हमें चाहिए संविधान, और संविधान ऐसा जिसका निर्माण किया जाए किनके द्वारा? जिसका निर्माण किया जाए भारतीयों के द्वारा। अब ये बात कहां कह रहे हैं? ब्रिटेन की संसद में। अब सवाल यह है कि जो भारत कॉलोनी उपनिवेश हुआ करता था ब्रिटिश का, वो ब्रिटेन की संसद में कैसे पहुंच गए? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है क्या? इतिहास, जिसको बोलते हैं संवैधानिक इतिहास। ठीक है, आपको पता है भारत के अंदर यूरोपियन शक्ति आई थी, यूरोपियन इन्वेड हुआ था, और पहले कौन आए थे? पोर्टुगीज, ठीक है, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच वगैरह आते रहे थे। क्लियर है? उसी में लंबे समय तक कौन रुके? पोर्टुगीज। पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में गए थे। ठीक है, उसी में एक शक्ति थी ब्रिटिश की। ठीक है, एक मिनट देखिएगा, ब्रिटेन पे पहली बार 1599 की बात थी, और 1599 में, क्लियर है, 1599 में एक कंपनी थी, नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर गई? क्वीन के पास, और क्वीन से कहा कि मैम वी वांट टू ट्रेड विद ईस्ट। हम कहां व्यापार करना चाहते हैं? हम पूर्व के साथ व्यापार करना चाहते हैं, ईस्ट के साथ। अच्छा, पूर्व में भी दो मेन थे, पूर्व में दो मेन कौन थे? एक मेन था इंडोनेशिया,
और एक था भारत। अब ये भारत क्यों आना चाहते थे, इसके पीछे भी तो कोई वजह रही होगी, ठीक है, इसके पीछे क्या वजह है इसके लिए, एक मिनट सामने देखिएगा जरा, ये है आपका भारत, क्लियर है, ठीक। ठीक है, देखिए यहां से जाता था रेशम मार्ग इस तरफ यूरोपियन कंट्री, क्लियर है, ये जाता था रेशम मार्ग। अब रेशम मार्ग के तहत जितने भी व्यापार हुआ करता था रेशम मार्ग से। अब यहां की क्लाइमेटोलॉजी, यहां का मौसम कैसा है, जलवायु कैसी है, ठंडी। अब इनको अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या चाहिए थे, भारत के खड़े मसाले, मसाला चाहिए था भारत का। अब भारत के जो मसाले जा रहे थे वो कैसे जा रहे थे, रेशम मार्ग से। इस तरफ था ईसाई धर्म और इस तरफ थे इस्लाम वाले, ठीक है, क्लियर है, हाँ। और यहां पर एक देश है टर्की, टर्की में एक जगह है, नाम थी कॉन्स्टेंटोनिपोल, कॉन्स्टेंटोनिपोल में समझ रहे, इन दोनों के मध्य किसी भी कारण से धार्मिक युद्ध हो गया, ठीक है, धार्मिक युद्ध हुआ तो यहां से लोग बाग पलायन करके कहां चले गए, यूरोप की तरफ। अब यूरोप की तरफ गए, अब यूरोप की जलवायु मैंने आपको बताया ठंडी जलवायु है, उनको गर्म रखने के लिए चाहिए थे भारत के खड़े मसाले। अब इन्होंने क्या करा, जो मसाले भारत इस रूट पर कब्जा किसका था, इस्लाम वालों का, इन देशों का, क्लियर है, अरब का। और अरब ने क्या करा, मना कर दिया देने से, क्या जो भी भारत से व्यापार करके मसाले वगैरह लेकर के जा रहे थे, रेशम लेकर के जा रहे थे चीन जापान चीन वगैरह से, ठीक है, मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, अगर दिया भी तो काफी ऊंचे दामों पर, जिस कारण से यहां पर खोल उठ गई कि हम लोग जाएंगे भारत की तरफ, ठीक है। इसीलिए पहली बार पुर्तगाल, पोर्टुगीज किंग नाम थे प्रिंस हेनरी ने अपने सेलर को भेजा, कहा कि जाओ आप भारत का समुद्री मार्ग खोज करके आओ, क्योंकि यहां से इब्ने बतूता ये सब आ रखे थे, पहले कहा कि जाओ आप क्या करके आओ भारत का समुद्री मार्ग खोज करके आओ। और समुद्री मार्ग खोजने के चक्कर में पहले आए 1487 में बार्थिलोमा डियाज, भारत तक नहीं पहुंच पाए, फिर वापस चले गए, फिर आए 1498 में वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा यहाँ साउथ अफ्रीका के इस तट पर खड़े होकर के भारत जाना है, गुजराती ट्रेडर अब्दुल मजीद मिल गए, कहा कि चलो भारत, दोनों साथ साथ, और दोनों साथ साथ चल दिए, और भारत के अंदर पोर्टुगीज का इन्वेजन हो गया, मतलब आना एंट्री हो गई। इसी करके पोर्टुगीज आए, डच आए, फ्रेंच, ब्रिटिशर, ये सब आते रहे। 1599 ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि हमें जाना है कहाँ, भारत के साथ, मैम प्लीज गिव अस परमिट, वी वांट टू ट्रेड विद ईस्ट, मैम हमें क्या करें, आप अनुमति दे दीजिए, हम क्या करना चाहते हैं, पूर्व के साथ व्यापार करना चाहते हैं। क्वीन डिनाइड, क्वीन ने क्या कर दिया, मना कर दिया, और क्वीन ने मना करा तो फिर दोबारा 1600 में अब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस एक जगह है यूरोप के ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, एक जगह है, नाम है लीडन हॉल स्ट्रीट, और लीडन हॉल स्ट्रीट में 24 समृद्ध व्यापारी व ग्रुप रहा करता था। उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, भारत के साथ व्यापार करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी और दोनों मिल गए, अब दोनों मिलकर के कहां पहुंचे, क्वीन के पास, और क्वीन ने क्या करा, अब रॉयल चार्टर दे दिया कि जाओ आप लोग क्या करो, पूर्व के साथ व्यापार करो, शाही अनुज्ञा पत्र दे दिया कि आप पूर्व के साथ व्यापार करो। 1607 में भारत पहुंचे, 3 जहाज पानी वाले चल दिए, एक का नाम था रेड ड्रैगन, एक का नाम था कंसेंट, और एक का नाम था हेक्टर। और हेक्टर को जो कमांड कर रहे थे उस कमांडिंग ऑफिसर का नाम था हॉकिन, और एक विलियम क्लिंग, हॉकिन और एक
ठीक है। हॉकिन आए, जहांगीर के दरबार में पहुंचे, ठीक है, और भारत के साथ व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार अच्छा खासा चल रहा था, जहांगीर ने परमिशन भी दे दी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में अब वो हिस्ट्री का टॉपिक आ जाता है, इनिशियली जहांगीर डिनाइड टू गिव परमिशन, समझ रहे हो। लेकिन क्या हुआ था, इसको आती थी टर्किश भाषा, और टर्किश भाषा में जब उसने बात करी तो जहांगीर खुश हो गए, खुश हो गए तो इसको उपाधि भी दे दी इंग्लिश खान की, ठीक है, और भारत के साथ व्यापार शुरू हो गया। व्यापार शुरू होने के साथ साथ, ठीक है ना, अब वहां से ब्रिटेन से ऑर्डर आ गया कि आप क्या करें, धीमे धीमे सैन्य शक्ति भी हासिल करें। वहां पर व्यापार किया अच्छा खासा, सैन्य शक्ति हासिल करी। सैन्य शक्ति हासिल करने के बाद ब्रिटेन ने दो युद्ध लड़ लिए, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। दोनों युद्ध जीत भी गए। जीतने के बाद एक संधि हुई जिसको बोलते हैं अलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। और ब्रिटिश को क्या मिल गए, पहली बार भारत के अंदर 1765 में भारत के अंदर दीवानी राइट मिल गए, टैक्स कलेक्टिंग राइट मिल गए। कहां पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, कि आप लोग टैक्स कलेक्ट करें। और इतना टैक्स कलेक्ट करा ब्रिटिश ने, इतना टैक्स कलेक्ट करा कि कंपनी हो गई दिवालिया, समझ रहे। 1764 से 1772 तक कंपनी किसमें हो गई, डेट ट्रैप, ऋण जाल में फंस गई। और ऋण जाल में फंसने के बाद कंपनी ने कहा, कंपनी वापस पहुंची कहां पर, कंपनी के मालिक पहुंचे दोबारा क्वीन के पास, और क्वीन से कहा कि मैम वी आर इन डेट ट्रैप, हम ऋण जाल में फंस चुके हैं, प्लीज हेल्प अस, हमारी मदद कर दो। और मदद करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लीज गिव अस लोन। कहा कि हमें लोन दे दो, रानी मान गई। रानी ने कहा कि ठीक है, वी आर रेडी टू गिव यू लोन, बट द कंपनी रेगुलेट फ्रॉम नाउ और टुडे द कंपनी विल बी रेगुलेटेड बाय माय सेल्फ, मतलब आज से मैं आपको लोन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज से और अभी से क्या होगा, कंपनी का रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाएगा, हमारे द्वारा किया जाएगा। और इसी के लिए क्या आया, भारत के अंदर पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, समझ में आ गया। यहां पर एक कोर्ट बनाई, आज भी कोर्ट है। ये सारा क्या है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब 73 से कहानी शुरू होती है, इतना लिख लो पहले, फिर आगे चलते हैं।
फ्रेंच के साथ साथ लड़े किससे, डच से। तभी तो अब ये देखा जाता है कि कंपनी यहाँ पर स्थापित हुई थी, ये कोइंसिडेंस था या एक षड्यंत्र था। कंक्वेस्ट और कोइंसिडेंस कहाँ पे, क्लिंग KEELING, षड्यंत्र था। अब ऐसे फ्रेंच पहले पोर्टुगीज को हराते हैं 1612 में, समझ रहे हो, बैटल ऑफ स्वाली होल के माध्यम से, ठीक है ना। राल फिच की कहानी थी वो इतिहास के अंदर आप देख लीजिए। हाँ, ये गोवा में रुक गए थे, ये पूर्ण रूप में नहीं गए थे, पूरी तरीके से नहीं गए थे, कुछ क्षेत्रों में रह गए। गोवा में सबसे लास्ट में गए थे 1962 के अंदर बाय ऑपरेशन विजय के माध्यम से, ठीक है ना, ऑपरेशन विजय किए गए थे। और लास्ट गवर्नर लिखवाया जाता है कि मैनुअल एंटोनियो सिल्वा हुआ करते थे, ठीक है ना। फिर पोर्टुगीज गए थे, फिर एंग्लो कर्नाटिक वॉर से फ्रेंच को हटाया था, और फ्रेंच क्योंकि अमेरिका भी कॉलोनी हुआ करता था ना उस समय पे, और अमेरिका के कनाडा वाले क्षेत्र में फ्रेंच ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। अब अमेरिका ने कहा कि फ्रेंच से जीते कि ब्रिटिश से, क्योंकि ब्रिटिश की कॉलोनी थे, आक्रमण फ्रेंच ने कर दिया। और फ्रेंच ने जब आक्रमण किया दोनों की तुलना में देखा तो कहा कि अगर फ्रेंच आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंच ज्यादा क्रूर हुआ करते थे, उनका शासन थोड़ा सा कठोर किस्म का था। और फिर 1759 में एंग्लो कर्नाटिक वॉर की संधि के माध्यम से फ्रेंच गए, और उसके बाद फिर गए कौन, 1759 बैटल ऑफ वेदारा, फिर डच चले गए थे, इंडोनेशिया में भेज दिया था कि आप इंडोनेशिया में व्यापार करो। अबायना की फाइट हुई थी, और डच ने अबायना के अंदर, इंडोनेशिया अबायना के अंदर जापानीज को और ब्रिटिशर को नरसंहार कर दिया, तो एकमात्र शक्ति बची थी। हाँ, प्लासी वाला था, आपको वो नहीं है, मैं बताता हूं, एक मिनट देखिएगा, था क्या उसमें कि ब्रिटिश का गवर्नर ड्रैक भाग गया, और भाग करके फुल्टा नाम के टाउन पे छुप गया, और बाद में खबर पहुंची कि, और 150+ कैदियों को उठा करके सराजुद्दौला ने क्या करा, एक काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया, और काल कोठरी में बंद करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, कई लोग दम घुटने से मर गए थे, और एक आधा बचा हो तो पता नहीं, ठीक। इतिहास में कहा जाता है ये एक काल्पनिक घटना या सत्य पता नहीं है इसका, ठीक है ना, कि कंपनी ने ऐसा षड्यंत्र रचा था या वाक्य में सराजुद्दौला ने ऐसा किया था, पता नहीं, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब ये वह खबर पहुंची कहां पर, अच्छा जहां पर करके भाग गया सराजुद्दौला अपने, भाग नहीं गया, चले गए अपने वापस, और जाने के बाद ये खबर पहुंची कंपनी के पास, कंपनी में पहुंची फिर रॉबर्ट क्लाइव के पास, रॉबर्ट क्लाइव को कहा कि जाओ कंट्रोल करो इसको। रॉबर्ट क्लाइव पहुंचते हैं, और सराजुद्दौला के खास वाले कौन, मानिक चंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ, इन सबको घूस देते हैं, समझ रहे हो, करप्ट ऑफिसर हुआ करते थे, और घूस देने के बाद इनको क्या करा कि आप लोग हमारे फेवर में करिएगा। बाद में दोनों मिलते हैं, और मिलने के बाद बैटल ऑफ प्लासी होता है, और वही होता है गद्दारी मानिक चंद ने कर दी, जगत सेठ, राय दुर्लभ। लेकिन सराजुद्दौला के दो लॉयल ऑफिसर हुआ करते थे, मीर मदान और मोहनलाल, दोनों को क्या कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने मार दिया था, ये प्लासी था, ठीक है। फिर मीर जाफर और मीर कासिम को बैठाया गद्दी पे, वो पपेट की तरह काम नहीं कर रहे थे, और जो 1777 में फर्रुखसियार ने दस्तक जनरेट करी थी, दस्तक होता है ट्रेड परमिट, समझ रहे हो, 38 गांव दे दिए थे, कहा के सिक्का छपाई करो, कॉइन प्रिंटिंग करो, फोर्टिफाई क्लेबंदी करो, ये सब कह दिया था। और जो दस्तक परमिट फर्रुखसियार ने दिया था उसको खत्म कर दिया, खत्म करने के बाद तीनों भाग गए वहां से। भागने के बाद पहुंचे कहां, अब अच्छा इस बात पे क्या है, बैठाया कंपनी ने था उसको, और कंपनी ने बैठाया था, कंपनी ने क्या किया था, सत्ता बैठा था, कंपनी के खिलाफ हो गए, कंपनी ने उसको क्या कर दिया, सत्ता से हटा दिया, और वो क्या करा, भाग करके अवध वाले रीजन में पहुंचा। फिर अवध भी थे यहां से, बंगाल वाले भी थे, दिल्ली के शाह आलम टू भी आए हुए थे, तीनों ने मिलकर के कहा कि मारेंगे किसको, ब्रिटिश को, इनको हराएंगे, तीनों मिलकर के गए, और तीनों मिलकर के ऐसा युद्ध लड़ा कि तीनों हार के आ गए वापस, समझ रहे, इसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, तीनों वापस हार के आ गए, ठीक है। अब पूछा कि दिल्ली वाले तुम क्या कर रहे थे,
एंग्लो फ्रेंच वाली वो प्लासी के पीछे का, ठीक है ना, वो प्लासी वाला है, ठीक है ना, बक्सर वाला नहीं है। बक्सर वाला अवध, बंगाल और दिल्ली वाला, ध्यान रखिए, ठीक है। 1773 का एक्ट पास किया, बाकी नेक्स्ट क्लास।